हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। टॉपिक इज इंटीजर्स और ये क्लास 7 जो नई बुक है वाव मैथमेटिक्स, उसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये बुक आपकी ये है। तो आप लोगों ने कहा था सर वाव मैथ्स करा दीजिए, तो ये वाव मैथ की हम आज से क्लास 7 की भी स्टार्ट कर रहे हैं। 6 की और 5th की स्टार्ट होगी, 8th की भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, है ना। इस चैनल पर आपको ये वाव मैथ की 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10 सभी मैथ की बुक का सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन 1 है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -18 एंड +19। तो हमें -18 और +19 के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको लिखना है। तो कैसे कर दो बस सॉल्यूशन इसका, ऑल इंटीजर्स बिटवीन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, पता आपको है ना, बिटवीन -18 एंड +19 एक ही बात होती है, आर फॉलोइंग, मैं नीचे लिख दे रहा हूं उसको। तो -18 से जस्ट बड़ा क्या होता है -17, फिर क्या आएगा -16, कब तक लिखना है +18 तक लिखने में, -17 -16 -15 -14 -13, कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, -12 -11 -10, उसके बाद क्या आएगा +1 करते जाओ, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, 0 भी इंटीजर्स होता है, 0 1 से लेके 18 तक और लिखने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 एंड लास्ट वन इज 18। ये सारे इंटीजर्स हो गए -18 से लेके +19 के बीच में। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी पूछता है तो 3-4 पूछ लेता है कि -3 और +4 के बीच में या -2 और +3 के बीच के इंटीजर्स लिखो, लेकिन अगर पूछता है तो इस तरीके से हमें सारे लिखने हैं। समझ में आ गया, प्लस वन करते जाओ, -18 में +1 करो, +1 करना नहीं आपको पता ही है, -18 से जस्ट छोटा क्या होता है -17 -6, ऐसे लिखते जाओ, 19 नहीं लिखना क्योंकि बिटवीन कह रहा है। दोनों में ध्यान रखना, कभी कभी पूछ रहा है राइट ऑल इंटीजर फ्रॉम -18 to 19, तो हम -18 भी लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम का होता है -18 से 19 तक, ये बिटवीन है यानी कि -18 और 19 के बीच में जो हुआ है, तो ये इंटीजर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। लिख रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव मार्क्स आना चाहिए नंबर हमेशा, जैसे एज रखा है -21 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या लिखते हैं मॉडुलस के अंदर लिख देते हैं। अगर कहीं पर मॉडुलस लिखा हुआ है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये हमेशा पॉजिटिव में आती है, तो +21 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 21 -21। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट प्लस में, दूसरा करता हूं मैं, जैसे दूसरा में -352 की लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -352 इज इक्वल टू डायरेक्ट 352 ले सकते हो, और अब अगर आप शो कर दे तो अच्छी बात है, इससे क्लियर होता है कि आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस के अंदर लिखते हैं और ये इक्वल होता है प्लस के 352। खाली आप ये भी ले सकते थे -352 = 352। नाउ सी पार्ट 140 अगर प्लस है तो वही रहेगी, कुछ चेंज करना ही नहीं। ये पूछ रहा है किसकी, +140 की, तो +140 की थी 140 रहेगी, केवल नेगेटिव वाली प्लस होगी, प्लस वाली प्लस होती होती है। और फिर डी में पूछा है, चलिए लिखता हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसमें ऑलरेडी मॉडुलस, ये मॉडुलस का सिंबल कहलाता है जो दो लाइन के बीच में रखा था, और हमने अभी बताया मॉडुलस को हटाते हैं तो क्या आता है प्लस का साइन, तो कितनी हो गई 305। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ -32 फॉलोइंग इंटीजर्स। -32 दे रखा है तो सक्सेसर कैसे निकालते हैं, +1 करके, यानी कि इसके जस्ट बाद जो आएगा, प्रेडिसर क्या होता है इससे जस्ट पहले, तो वो उसमें हम क्या करते हैं जिस नंबर का हमें सक्सेसर निकालना हो उसमें +1 कर देंगे,
और जिस नंबर का मैं सक्सेसर वो प्रेडिक्शन निकाल रहा हूँ तो उस नंबर से माइनस वन कर देते हैं। कैसे करोगे इसे बताते हैं। दोनों नंबर लिखने हैं तो पहले सक्सेसर लिख लो, तो लिखो सक्सेसर ऑफ माइनस 32 इज, सक्सेसर के लिए हमें प्लस वन करना होगा नंबर में। हम पूछा 3 का सक्सेसर जो 3 के जस्ट बाद है, वो कैसे आया 3 प्लस वन, तो माइनस 32 का क्या होगा माइनस 32 प्लस वन, तो क्या जाएगा माइनस 31। और प्रेडिसर क्या होगा, प्रेडिसर ऑफ माइनस 32, प्रेडिसर नंबर में हम नंबर में से एक माइनस कर दो, तो माइनस 32 माइनस 1 कितने हो गए माइनस 33। ये ए का आंसर हो गया, सक्सेसर भी हो गया और प्रेडिसर भी हो गया। सेकंड में हमें निकालना है प्लस 204 का, तो सक्सेसर ऑफ प्लस 204, सक्सेसर कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर है प्लस लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, उसमें 1 ऐड करना है, तो कितना आ गया 200 प्लस 204 प्लस 1 205। और प्रेडिसर क्या होगा इसका, प्रेडिसर ऑफ 204 इज, 204 में से 1 सबट्रैक्ट करो, तो 204 में से जब 1 सबट्रैक्ट करा तो क्या आ गया 203। फिर दे रखा है सी पार्ट, सी ये दे रखा है हमें मॉडुलस माइनस 950, इसका निकालना। तो पहले इसकी वैल्यू निकालो, ये किसके इक्वल होगा, ऊपर दो बार आ चुका मॉडुलस का मतलब या एब्सोल्यूट वैल्यू जो होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 950, तो यानी कि हमें 950 का सक्सेसर लिखना है। तो क्या करोगे, सक्सेसर ऑफ मॉडुलस 950 इज, ये किसके इक्वल है 950 के, और सक्सेसर के लिए क्या होता है प्लस वन करते हैं, तो 951। और प्रेडिसर नंबर कैसे निकालेगा, प्रेडिसर ऑफ मॉडुलस 950 ये तो 950 के इक्वल है और इसके लिए हम क्या करते हैं माइनस वन, 950 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 949। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, गलती जल्दीबाजी में 9 माइनस 950 ले लो, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करोगे ये इक्वल होगा प्लस के 950। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट माइनस 720, इसका हमें सक्सेसर भी लिखना है और इसी का हमें प्रेडिसर भी लिखना है। तो सक्सेसर के लिए बताया था वन करते हैं, तो सक्सेसर ऑफ माइनस 720 इज माइनस 720 प्लस वन, तो कितना हो गया माइनस 790। और प्रेडिसर में हमें सबट्रैक्ट करना होगा, तो प्रेडिसर क्या हो जाएगा इसका माइनस 720 माइनस वन, माइनस 720 माइनस वन कितने हो गए माइनस 721। तो ये तो हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें क्या करना है, हमें साइन फिल करने हैं, लेस देन इक्वल या ग्रेटर, क्या आएगा इन तीनों में से इसको हमें फिल करना है। पहला ऑप्शन, पहला सवाल दे रखा है हमें सॉरी माइनस 18 और माइनस 14, फिल इन द ब्लैंक्स, माइनस 18 माइनस 14 से कैसा है, बड़ा कि ग्रेटर, माइनस में क्या होता है उल्टा होता है, माइनस 18 है ना क्या है, वैसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो तो 18 बड़ी है 14 छोटी है, लेकिन ये माइनस लगा, माइनस में रिवर्स होता है, माइनस 18 14 से होता है माइनस 14 से स्मॉल, तो लेस देन ये वाला सिंबल आएगा, ये कहलाता है लेस देन, माइनस 18 इज लेस देन माइनस 14। इसी का बी पार्ट अब हमें दे रखा है प्लस 35 प्लस 21, ये प्लस में तो हर एक को पता है 35 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 21, 35 तो हमेशा 21 से बड़ा ही होगा, तो ये ग्रेटर सिंबल आ गया। सी माइनस 25 और 34, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, तो सोचना नहीं है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है बताया, स्मॉल होता है, लेस देन होता है, तो लेस देन का सिंबल आ गया। नाउ डी ये भी सेम ऐसी है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और बाद वाला नेगेटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव हमें कंपेयर सिंबल इसके हिसाब से लगता है कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से ग्रेटर है इक्वल है या स्मॉलर है लेस देन है, तो 18 देखेंगे माइनस 35 से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, इस मीन्स 18 इज ग्रेटर देन माइनस 35। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट्स में हमें इंटीजर्स दे रखे, मैं लिख देता हूं माइनस 20 माइनस 35
प्लस 15 माइनस 40 प्लस 25 माइनस 15 एंड माइनस 24। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, जानते हो ना, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। छोटा कौन सा होगा, माइनस वाले सबसे छोटे थे प्लस से। अब माइनस में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, माइनस 20 माइनस 35 माइनस 40 मिल गया, तो इसका सॉल्यूशन सबसे छोटा नंबर माइनस 40 है, तो माइनस 40। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप सिंबल लगा सकते हो, कॉमन ले सकते हो, यानी कि लेस देन, ये किससे छोटा है यानी किससे बड़ा नंबर। अब कौन सा आएगा, माइनस 40 तो यूज हो गया, इसे हटा दें। अब बचा हुआ नेगेटिव में क्या है, माइनस 20 माइनस 35 माइनस 24 माइनस 40, इन सब में न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा सबसे बड़ी किसकी, माइनस 35, तो ये इन सब में छोटा है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना, माइनस 35 इज द लेस देन इन गिवन नंबर, ये भी यूज हो गया, हटाओ। अब नेगेटिव के 3 बचे, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, माइनस 24, तो फिर लेस देन माइनस 24, ये भी यूज हो गया, बचे 2। माइनस 15 छोटा है कि माइनस 20, माइनस 20 छोटा है, तो लेस देन माइनस 20, ये भी यूज हो गया। अब बचा माइनस 15, तो लेस देन माइनस 15। अब बचे प्लस के, प्लस में तो इजीली आप पता लेते कर लेते हो कौन सा छोटा है, 15 छोटा है या 25, 15 है, तो क्या आएगा प्लस के 15, और लास्ट में आ गया प्लस 25। प्लस लगा लेना साइन, प्लस है तो, नहीं भी लगाओगे तो एक ही बात होती है, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये अरेंजमेंट हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नाउ बी पार्ट, माइनस 32 प्लस 21 माइनस 15 माइनस 24 प्लस 54 प्लस 24 माइनस 80, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर नेगेटिव में होगा, माइनस 18 माइनस 24 माइनस 32 मिल गया, माइनस 32 सबसे छोटा है, तो माइनस 32 इज लेस देन, ये यूज हो गया। अब नेगेटिव के बचे माइनस 15 माइनस 24 माइनस 18, इसमें क्या है सबसे छोटा, माइनस 24, तो माइनस 24 आएगा। फिर इससे बड़ा नंबर देखो, माइनस 18 है कि माइनस 15, माइनस 18, तो ये माइनस 18 आ गया। अब अच्छा माइनस 15, तो माइनस 15। अब प्लस वाले देखो, 54 21 24 तीनों में कौन सा छोटा है, प्लस के 21, फिर इससे बड़ा प्लस के 24, और लास्ट में इससे बड़ा क्या हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस पर थोड़ी कम है, 54। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिविन इंटीजर्स, जो हमें इंटीजर्स दे रखे थे उसका असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6 भी इसी टाइप का है, बस इसमें असेंडिंग ऑर्डर था, उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ लैंग्वेज लिखे हैं, लैंग्वेज कुछ नहीं लिखनी, तो ये लिख सकते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, बस इतना लिख सकते हो क्या, चलो मैं लिख देता हूँ, बाई चांस आपकी कन्फ्यूज क्या लैंग्वेज लिखे, तो बस इतना लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर, हाँ इतनी बहुत है, डिसेंडिंग ऑर्डर आर फॉलोइंग, फॉलोइंग का नीचे है, बस लगा दो। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो प्लस में सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव, ये नेगेटिव 19 और 34 दो ही हैं, तो सबसे बड़ा तो 34 हो गया, इसके लिए यह असेंबल आता है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। प्लस का यूज हो गया, प्लस का दूसरा बचा 19, तो इससे छोटा तो यही है, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। अब 19 से छोटा देखो, नेगेटिव में सब, तो नेगेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी जिसकी है 51 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये सबसे छोटा होगा माइनस में, तो माइनस 51 हुआ, ये किससे बड़ा यानी कि इससे छोटा देखो। अब 27 35 माइनस नहीं बोला मैं, मतलब नेगेटिव ही सबने, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखना, 27 35 24 कौन सी है, 35 बड़ा, तो माइनस 35 इन सब में छोटा हुआ। फिर ग्रेटर देन बचे दो, 27 24 तो समझ गए 24 बड़ा कि 27 न्यूमेरिकल वैल्यू 27, और ये नेगेटिव है तो इसलिए छोटी होगी, माइनस 27 और लास्ट वन इज माइनस 24। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीजर्स। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें एक पार्ट और दे रखा है बी पार्ट, उसे करते हैं। बी पार्ट में ये इंटीजर्स गिवन से हैं, माइनस 25 प्लस 41 62 प्लस 15 माइनस 17 माइनस 26 प्लस 20, सब में दे रखा था, मैं इसमें दे रहा था, इसमें क्यों नहीं दे रखा, 62 का मतलब प्लस 62 ऐसे दे रखा है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो चलो उसमें भी लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर आर फॉलोइंग, सबसे बड़ा नंबर प्लस का 62 है, तो लगा दो 62 इज ग्रेटर देन
62 हमने हटा दिया, अब बचा कौन सा प्लस में, 41, 15 और 20, इन तीनों में कौन सा बड़ा है, 41, तो इसके बाद 41 आएगा, फिर उससे छोटा नंबर प्लस में 15 है और 20 है, फिर उससे छोटा 15, प्लस और लगा देना प्लस 15। अब नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव में, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ऊपर, हाँ बड़ा मैंने छोटा लिख दिया ना शायद, ऊपर गड़बड़ कर दिया मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान रखना, चलो अच्छी ध्यान आ गई, देखो 34 ये मैं उल्टा लिख गया भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये मैं उल्टा लिख गया, उल्टा लग गया माइनस का कन्फ्यूजन, इसे काट दे रहा हूँ मैं, गलत हो गया, पहले क्या आएगा माइनस 24 बड़ा है ना, ये मैंने यहाँ तक तो सही लिखा था, इसके बाद गलत लिख दिया, चलो सीधा देख लिया, देखो उसको मैं काट के नीचे लिख दे रहा हूँ, इसका ऑर्डर क्या होगा 34 इज ग्रेटर देन 19, फिर माइनस आ गया, नहीं यहीं से गलत है, अब हमें क्या है देखो 34 प्लस के हो गए 19 हो गए, अब माइनस 27 माइनस 35 माइनस 24 माइनस 51 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना बड़े से छोटा, तो माइनस 24 होगा, मैंने यहाँ गलत कर गया था, तो माइनस 24 माइनस 24 भी जो हो गया, अब बचे कौन कौन से, इसका रिवर्स कर दो, उससे बड़ा है माइनस 27, मतलब उससे बड़ा नहीं उससे छोटा, और माइनस 27 से छोटा है माइनस 35 और माइनस 35 से भी छोटा है माइनस 51, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, सही रहा नीचे देख लिया नहीं ऊपर गलत हो जाता, ये क्लियर, सही कर लेना अगर किसी ने कर लिया हो तो, ये ऐसे होना है, तो ये देखो आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ तक तो प्लस तक तो क्लियर हो गया, 62 सबसे बड़ा, फिर 41, फिर उससे छोटा 20, फिर उससे छोटा 15, अब 15 से छोटा कौन सा होगा, माइनस में दे रखे हैं माइनस 25 होगा कि माइनस 17 या माइनस 26, अब इसका मतलब क्या है, माइनस में इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस में उल्टा चलता है ना, तो माइनस 17 इज ग्रेटर देन माइनस 17 इज ग्रेटर देन माइनस 25 इज ग्रेटर देन माइनस 26, क्योंकि माइनस 17 बड़ा है माइनस 25 से और माइनस 25 बड़ा है माइनस 26 से, तो इट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग, ए पार्ट में कह रहा है एड द इंटीजर्स, इन चारों इंटीजर्स को हमें ऐड करना है, करते चलिए सॉल्यूशन, पहला है प्लस 25, ऐड का मतलब प्लस, सेकंड इंटीजर्स क्या है माइनस 51, प्लस थर्ड इंटीजर्स माइनस 32, प्लस फोर्थ इंटीजर्स प्लस 10, चलिए करते हैं, तो प्लस लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, 25 का मतलब ही प्लस 25 होता है, प्लस का अंदर माइनस में मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा माइनस 51, प्लस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस आता है माइनस 13, प्लस 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 होता है प्लस 10, तो कैसे ऐड करते हैं, जहां हमें प्लस भी दे रखा है और माइनस भी, तो प्लस वाले पास पास लिख लो, एक तो हमें 25 दे रखा है प्लस का और एक प्लस 10, इन दोनों को हमने पास पास लिख लिया, अब माइनस के जितने भी इंटीजर्स हैं एक माइनस 51 और माइनस 32, इन्हें भी पास पास लिख लिया, अब क्या होता है सेम साइन वाले इंटीजर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ऐड होगा 25 प्लस 10 35, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी ऐड होंगे, 51 और 32 कितने होंगे 213 और 538, अब जो साइन होता है इन दोनों माइनस है तो इसका जो समय था ये आया था इसके साथ माइनस का साइन आएगा, और इन दोनों का प्लस है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, यानी कि प्लस 35 आप लिखें या ना लिखें उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर कम नंबर में से ज्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा आता है माइनस में, लेकिन होता क्या है करते हम ज्यादा में से कमी सब्ट्रैक्ट, 83 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कम से मतलब ये प्लस का है 35 और 83 ज्यादा नंबर है तो कम में से हम ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात चल रही है, तो क्या होगा 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ रह गया 7, और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, तो आंसर हो गया माइनस 48, अब आंसर ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 माइनस 48। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट सब्ट्रैक्ट प्लस 94 फ्रॉम माइनस 105, यानी कि इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉल्यूशन देखो माइनस 105 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, प्लस 94 को, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये क्या हो गया माइनस 105, माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई करते माइनस ही आएगा 94, अभी ऊपर हमने समझाया था दोनों साइन सेम है तो ऐड होंगे, 5 और 4 9 0 प्लस 9 0 प्लस 9 9 होते हैं और 1 1 और साइन कैसे आएगा माइनस, तो बस ये छोटा सा आंसर था, सवाल था, ये इसका आंसर हो गया माइनस 199। नाउ क्वेश्चन 8 इज
द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -104, तो आप इसे लिख लीजिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, और ये हमें गिवन है -104 की। इफ वन ऑफ देम, उसमें से दो इंटीजर में से एक दे रखा है, वो भी लिख लो, वन ऑफ देम इज इक्वल 19, तो फाइंड द अदर इंटीजर्स। तो अदर इंटीजर्स क्या होगा, तो अदर इंटीजर विल बी क्या होगा बताओ, मैं आपको एक सिंपल सा पूछता हूं। हमारे पास दो इंटीजर हैं, एक 7 है, दूसरा हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है इन दोनों का सम 10 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो फाइंड द अदर, ज्यादातर लोगों ने सही बताया है, 3 है ना, 3 बोला आप लोगों ने। कैसे? जो सम दे रखा है 10 दे रखा है, उसमें से एक हमें 7 दे रखा है, तो उसको हम माइनस कर दें 3। टोटल सम में से जो इंटीजर्स दे रखा है उसको सबट्रैक्ट कर दें, यानी कि कैसे निकलेगा, -104 इज द सम ऑफ बोथ इंटीजर, तो -104 में से 19 को सबट्रैक्ट कर दें तो अदर इंटीजर्स आ जाएगा। तो अदर इंटीजर्स विल बी -104 माइनस क्या करना है, 19। आंसर आ गया, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के साइन सेम है, तो ऐड होंगे 9 + 4 = 13, कैरी 1, 1 1 2 1, -123 इज द अदर इंटीजर्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। द सबमरीन वाज एट 932 मीटर बिलो द सी लेवल। मैं आपको थोड़ा सा फिगर से समझा दूं, ये सी लेवल है ना, यहाँ से यहाँ कोई सबमरीन है, ठीक है ना, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं, सबमरीन नहीं बनाना बैठ गया यहाँ पर, इसकी यहाँ और नीचे ले लूँ, यहाँ तक की डिस्टेंस रखी है 932 मीटर समुद्र तल से नीचे। अब क्या हुआ, आगे कह रहा है इफ इट्स एसेंड्स 579 मीटर, यानी कि 579 मीटर ऊपर आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई 579, तो बताओ कितनी डिस्टेंस रह गई, तो क्या करेंगे 932 में से इसको माइनस कर देंगे। व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन, इसकी न्यू पोजीशन क्या है, पहले 932 मीटर थी, 579 मीटर एवब हो गई, ऊपर आ गई समतल से, तो बताना है न्यू पोजीशन क्या होगी। तो न्यू पोजीशन क्या हुई इसकी, क्या करें, टोटल कितनी नीचे थी 932, इसमें से माइनस कर दें जितनी ये एवब आ गई, जितनी ऊपर चढ़ गई 579, सबट्रैक्ट करना है से सीधा, बोरो लिया 12 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे 3, यहां रह गया 2, 2 में से 7 नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, 8 में से एक बोरो लिया 12 हो गया, 12 में से 7 सबट्रैक्ट करा 5, यहां 8 रह गया, 8 में से 5 सबट्रैक्ट करा 3, तो न्यू पोजीशन क्या हुई 353 मीटर बिलो सी लेवल। तो न्यू पोजीशन ऑफ सबमरीन, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप वर्ड में लिख दो, ये न्यू पोजीशन ऑफ सबमरीन एज क्या है 353 मीटर बिलो सी लेवल, है ना, समुद्र की सतह से, सी लेवल यानी समुद्री सतह से इतने मीटर बिलो है, या आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखनी है तो दूसरा तरीका होता है -353 मीटर, दोनों का मतलब यही है, सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में, इंटीजर्स में एक प्लस में होता है, सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी लेवल के नीचे जाते हैं कहीं पर ये लिखा हो, सी लेवल की डिस्टेंस की बात चलिए, -353 यानी कि समुद्र तल से समुद्र के अंदर नीचे की तरफ 353 मीटर है, यहीं से क्लियर हो गया, -353 का मतलब ये क्या है, बिलो है, और कहीं पर लिखा हो +353 तो सी लेवल से अबव है, तो आंसर आप ऐसे भी ले सकते हो, आपकी बुक में शायद ऐसे आंसर दे रखा है, तो -353 मीटर का मतलब ये सी लेवल से बिलो, ये सारी लैंग्वेज वर्ष नहीं, तो -353 लेवल। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो अपने आप दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप भी ध्यान रखें, वाओ मैथ्स की इस वाले चैनल पर मैं सारे वीडियो अपलोड करूंगा, मेरा दूसरा चैनल है आदर्श गोविंद नाम से, उसमें वाओ मैथ की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है ना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया कि वाओ मैथ्स की जिसकी प्रॉब्लम है वो यहाँ कर लें, बिना ऐड के आप करेंगे बस जल्दी कंप्लीट करेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।